Hello everyone, how are you all? Welcome to Unacademy Studios Prabhav. I'm your friend Chanchal Kumar Sharma. और आप सभी जानते हैं कि आज हम बात करने वाले हैं भारत की सबसे बड़ी जांच एजेंसी इन्वेस्टिगेशन के लिए, जो हमारी सबसे बड़ी जांच एजेंसी है और जो हमेशा चर्चा और विवादों में रहती है. काफी इंटरेस्टिंग ये टॉपिक है और हम बात करने वाले हैं आज सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन. जी हाँ, आज हम सीबीआई के बारे में बात करेंगे और ये देखेंगे कि सीबीआई वाकई में है क्या, ये क्या करती है, कैसे करती है, क्या क्या इसके अधिकार हैं, क्या क्या इसकी शक्तियां हैं, क्या क्या इसके दायित्व हैं, क्या क्या इसकी सीमाएं हैं और क्या क्या इससे जुड़े हुए विवाद हैं. और अभी जो ताजा ताजा मामला पश्चिम बंगाल और सीबीआई का हुआ था वो क्या था, उसके बारे में भी हम बात करेंगे. ठीक है, इसके साथ हम बात करेंगे क्या क्या और सुझाव होते हैं हम सीबीआई की संरचना में, उसकी जो है पूरे उसमें सुधार के लिए, उसके हम बारे में बात करेंगे. तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक विदाउट वेस्टिंग मच टाइम. मेरे बारे में आप लोग जानते हैं, मेरा नाम चंचल कुमार शर्मा है. 5 सालों से यूपीएससी स्टेट पीएससी के स्टूडेंट्स को मैं पढ़ा रहा हूं और अभी आपको अनअकैडमी स्टूडियोज प्रभाव पर डेली यहां पर मैं आपको पढ़ा रहा हूं 1 से 2 में कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी गवर्नेंस के सब्जेक्ट के रूप में, और जो 3 से 4 है उसमें मैं आपको हिस्ट्री पढ़ा रहा हूं. मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री हम लोग अभी पढ़ रहे हैं और इसी पे इसी चैनल पर टोटल 5 एडुकेटर्स आपको पढ़ा रहे हैं. 4 और एडुकेटर्स हैं, सुनील सिंह सर हैं, भूपेंद्र सर हैं, एस के शर्मा सर हैं और मधुकर कोटवे सर भी आपको पढ़ा रहे हैं. तो ये 5 एडुकेटर्स आपको यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी करा रहे हैं, फ्री में करा रहे हैं हिंदी माध्यम के लिए. ये बहुत ही अच्छा एक चैनल है, काफी सारे लोग यहां से फायदा भी उठा रहे हैं. तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज फर्स्ट ऑफ ऑल इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. कौन सा चैनल? हमारा अनअकैडमी स्टूडियोस प्रभाव का चैनल. और यहां से आप लोग अपनी यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी को, प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं. और अगर आप लोगों को किसी ऐसे प्लेटफॉर्म की तलाश है जहां पर आपकी पूरी यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी या स्टेट सर्विस की तैयारी एक ही जगह पर हो जाए, तो आप ज्वाइन कीजिए अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म को. जी हाँ, जो भी लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अनअकैडमी का जो प्लस प्लेटफॉर्म है वो अपने आप में यूनिक और बेस्ट प्लेटफॉर्म है. अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पर सिविल सर्विसेज से जुड़ी हुई सारी चीजें आपको अवेलेबल है, एक ही जगह पर अवेलेबल है और वो भी क्वालिटी के साथ. जी हाँ, जो बेस्ट क्वालिटी अनअकैडमी प्लस आपको देता है वो आपको और दूसरी जगह मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहां पर वो सारी चीजें एक ही जगह पर अगर आप लेकर आ जाओ यूपीएससी सिविल सर्विसेज से जुड़ी हुई और सब बेस्ट जो है क्वालिटी के साथ, तो उसे हम कहते हैं अनअकैडमी का प्लस प्लेटफॉर्म. क्योंकि अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे एडुकेटर्स आपको पढ़ाते हैं जो एक्सपर्ट्स हैं अपने अपने सब्जेक्ट्स में, मास्टर्स हैं, और कितने लगभग 70 से 80 एडुकेटर्स आपको अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म पर पढ़ाते हैं. इतने सारे एडुकेटर्स एक साथ ऑल इंडिया लेवल पर टॉप जो एडुकेटर्स हैं वो मिलना एक जगह पर बहुत मुश्किल है. चाहे आप ऑफलाइन चले जाइए या ऑनलाइन चले जाइए, सबसे बड़ी बात यह है कि अनअकैडमी प्लस पर बहुत ही हाईली क्वालिफाइड एडुकेटर्स हैं वो आपको पढ़ाते हैं. क्योंकि इस एग्जाम को निकालने के लिए कुछ जो बेसिक्स जो चीजें हैं जो होनी चाहिए वो आपको अनअकैडमी प्लस पर मिलेगी, जैसे कि अच्छे एडुकेटर्स, अच्छे मेंटर्स, एक्सपीरियंस फैकल्टी, वो आपको अनअकैडमी प्लस पर मिलेगा. आपको चाहिए एक टेस्ट सीरीज जो पूरे साल आप लोगों की प्रैक्टिस करवाए, वो अनअकैडमी प्लस पर आपको मिल जाएगी. आपको चाहिए प्रीलिम्स और मेंस और इंटरव्यू की पूरी एक साथ तैयारी, वो आपको मिल जाएगी अनअकैडमी प्लस पर. आपको एक ऑप्शनल भी प्रिपेयर करना होता है यूपीएससी के लिए, वो भी अनअकैडमी प्लस पर हो जाएगा. तो ये सारी चीजें एक ही छत के नीचे आपको मिल जाती है, कहां पर? अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पर. और अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पर जो सबसे अच्छी बात है कि आप घर बैठे पढ़ सकते हो, जब चाहो तब पढ़ सकते हो, मतलब ना तो आपको कहीं जाना है और ना ही कोई टाइम का प्रॉब्लम है. जब भी आपके पास समय हो सुबह से लेकर रात तक आप तब जब पढ़ना चाहे तब पढ़ सकते हैं. अगर आप लाइव सेशंस जो यहां पर चल रहे होते हैं अगर आप उनको मिस कर दें, वो अगर आपके छूट जाए, तो आप लोग रिकॉर्डेड सेशन देख सकते हो. मतलब अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म पर आपकी कोई भी क्लास
मिस नहीं हो सकती, कभी भी नहीं होती, सिंगल क्लास भी आपकी मिस नहीं होगी। और उसमें भी एक अच्छी बात यह है कि अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पर आप लोग जो भी पढ़ रहे हैं उसको बार बार देख सकते हो। मतलब इसमें आपको ऐसा नहीं कि एक बार पढ़ लिया फिर आपको अगली क्लास के लिए रुकना पड़ेगा वापस उसी के लिए, आप चाहो तो उसी क्लास को 10 बार देख सकते हो क्योंकि रिकॉर्डेड सेशंस अवेलेबल है। तो ये पूरा अनलिमिटेड एक्सेस जिसमें कि एजुकेटर से लेकर प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की तैयारी से लेकर आपके ऑप्शनल से लेकर ये सब कुछ आपको मिलेगा कितने में, 35,000। अनअकैडमी का प्लस प्लेटफॉर्म जो एक साल के लिए अवेलेबल है वो सिर्फ 35,000 में अवेलेबल है। मतलब आपको इससे ज्यादा पे नहीं करना है, किसी भी चीज के लिए पे नहीं करना है, इसी फी में, इसी अमाउंट में आपको इतने सारे एजुकेटर्स और उनके इतने सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, डाउट क्लियरिंग सेशंस हैं, लाइव सेशंस हैं। और रेफरल कोड अगर आप यूज करते, कौन सा, बहुत छोटा सा एक रेफरल कोड है, सिर्फ दो लेटर सी और के, सी के, अगर आप सी के का यूज करेंगे तो 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। मतलब ये जो दो लेटर्स दिखाई दे रहे हैं ये आपके 3,500 रुपए का फायदा करा सकते हैं। तो यूज, जब भी आप अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें तो इस रेफरल कोड को यूज कर लीजिएगा सी के, तो आपको 31,500 रुपए में पूरे एक साल के लिए पूरा मिल जाएगा। और अगर आपके पास टाइम है, दो साल के लिए आप इसको करना चाहते हैं तो दो साल के लिए 56,000 आपको पे करना होते हैं, 56,000। बट रेफरल कोड याद है आपको क्या, सी के, इस रेफरल कोड को यूज कीजिए तो 50,400 रुपए, 50,400 रुपीज में आपको पूरे दो साल के लिए ये मिल जाएगा। और अगर आप इसको सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो बहुत आसान से स्टेप में कर सकते हैं। कैसे, आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है अनअकैडमी की, यूपीएससी सिविल सर्विसेज वाली कैटेगरी में जाना है, गेट सब्सक्रिप्शन पे जाना है, ये प्लान दिखाई दे रहे हैं 1 ईयर 2 ईयर, इसको कंटिन्यू करना है, रेफरल कोड यूज करना है सी के, और जैसे ही आप उसको अप्लाई करोगे, प्रोसीड टू पेमेंट करोगे 31,500, वैसे ही आपका अनअकैडमी पर एडमिशन हो जाएगा, ये आपको एक साल के लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, नेहा, संजीव, ऋतिक, हेमलता, बिल्कुल आप गांव या छोटे शहर कहीं भी है, आप यहां से तैयारी कर सकते हैं। जो लोग दिल्ली नहीं जा सकते, बड़े शहरों में नहीं जा सकते, वो कहीं भी बैठकर अनअकैडमी प्लस की सहायता से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, वेरी गुड, विद्या पटेल, नेहा, राजा बाबू, राहुल सिंह गुज्जर, एवरीवन, ओम शंकर साहू, नेहा, कोमल, दीपू, गुड आफ्टरनून, हेलो रूपा। तो हम लोग बात करने वाले हैं सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के बारे में, जिसके बारे में कोई ये नया नहीं है नाम, ये नाम ऐसा नाम है जो आपने कई बार सुना होगा, तो आपने ये शब्द भी सुना होगा, बार बार आपके दिमाग में आया भी होगा। इसे कहा जाता है पिंजरे का तोता। तो पिंजरे का तोता क्यों कहा जाता है, इसके पीछे क्या क्या कारण है, तो ये सब तो आप जानते होंगे कि हमारे यहाँ जो सीबीआई है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये जो है ये हमारी केंद्र सरकार की जो प्रमुख जांच एजेंसी है, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, और चूंकि केंद्र सरकार के लिए काम करती है और उसके उसके ही निर्देशों के अनुसार काम करती है, मतलब ये अपने से कुछ नहीं कर सकती, तो इसकी स्वायत्तता को लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस उठा करते हैं, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, एक पूर्व न्यायाधीश ने इसे पिंजरे का तोता भी कहा था। ठीक है, तो इसके बारे में स्टार्टिंग से शुरू करते हैं कि ये है क्या। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सीबीआई है क्या और कैसे काम करती है। तो सीबीआई जो है ना, वो कार्मिक विभाग, कार्मिक पेंशन और लोक शिकायत मंत्रालय जो है भारत सरकार का, उसके अधीन काम करती है। कई सारे लोगों को कंफ्यूजन रहता है या उन्हें सही से पता नहीं होता, जो गलत फहमी है उनको, कि सीबीआई होम मिनिस्ट्री जो है हमारी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय के अंडर में काम नहीं करती। सीबीआई काम करती है कार्मिक विभाग, कार्मिक पेंशन और लोक शिकायत मंत्रालय के अंदर में, भारत सरकार के अंतर्गत। है क्या ये एक अन्वेषण पुलिस एजेंसी, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, जैसे पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है वैसे ही ये इन्वेस्टिगेशन के लिए हमारी एक प्रमुख एजेंसी है। जैसे आपने फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का नाम सुना होगा, एफबीआई, वैसे ही हमारे लिए सीबीआई भी हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। ये एक नोडल पुलिस एजेंसी भी है। क्या है, नोडल पुलिस एजेंसी भी है, जो इंटरपोल, जो इंटरनेशनल पुलिस होती है, इंटरपोल के सदस्य राष्ट्रों के अन्वेषण का समन्वय करती है। तो ये हमारे यहां तो जांच करती ही है, मतलब हमारे देश में तो शीर्ष जांच एजेंसी है ही सही, साथ ही ये क्या है, इंटरपोल के सदस्य राष्ट्रों के बीच अन्वेषण जो है, जो ये इन्वेस्टिगेशन वगैरह, इनके समन्वय कोऑर्डिनेशन का भी काम करती है। ठीक है, ये भ्रष्टाचार निरोधक एजेंसी से हटकर एक सीबीआई, एक बहुआयामी, बहुअनुशासनात्मक केंद्रीय पुलिस, क्षमता, विश्वसनीयता और विधि शासनादेश का पालन करते हुए
जांच करने वाली एक विधि प्रवर्तन एजेंसी है और यह भारत में कहीं भी अपराधों का अभियोजन करती है। तो इसको मैं सिंपल कर देता हूं आप लोगों के लिए कि सीबीआई जो है, सीबीआई हमारे लिए क्या है, एक विधि प्रवर्तन एजेंसी है जो कि भ्रष्टाचार निरोधक एजेंसी तो है ही, भ्रष्टाचार निरोधक एजेंसी के साथ साथ बहुआयामी, मल्टी डायमेंशनल मतलब इसका कार्य क्षेत्र बहुत ज्यादा विस्तृत है। मतलब आप देखोगे कि आर्थिक अपराध हो, चाहे कोई विशिष्ट अपराध हो, कैसे भी अपराध हो, बहुत सारे मामलों में आप देखते हो कि इसकी जांच सीबीआई को सौंपी गई, वहां इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की जा रही है, या ऐसा सीबीआई से वैसा सीबीआई से, इतनी बार आप सुनते होंगे ना। तो ये सब चीज आज आपको क्लियर हो जाएगी अगले एक घंटे में। इस सेशन में मैं आपको पूरा सीबीआई से जुड़ा हुआ एक एक मामला यहां पर क्लियर कर दूंगा आज। तो एक विधि प्रवर्तन एजेंसी है जो केंद्रीय पुलिस की तरह काम करती है, क्षमता, विश्वसनीयता और विधि शासनादेश का क्या करती है, पालन करती है। तो अपने आप में आपको यहां से समझना है कि सीबीआई जो है ये भारत सरकार की एक विशिष्ट और प्रमुख जांच एजेंसी है। मतलब जितने भी बड़े मामले हैं उनमें जांच करने के लिए भारत सरकार के पास ये एजेंसी है जिसके द्वारा गुत्थियां जो है वो मामलों की सुलझाई जाती है। तो एक एक करके इसको हम लोग समझेंगे और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले आते हैं इसका इतिहास, शुरू कहां से होती। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट्स को तो यही क्लियर नहीं है कि सीबीआई वास्तव में है क्या और आई कहां से। तो इसके पीछे मैं बताता हूं इसका इतिहास क्या है। 1939 से 1945 तक जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, तो ब्रिटिश सरकार जो हमारे यहां थी, तो ब्रिटिश सरकार ने भ्रष्टाचार वगैरह, क्योंकि उस समय बहुत ज्यादा बढ़ गया था, तो भ्रष्टाचार आदि की जांच करने के लिए एक ऐसी एजेंसी की जरूरत पड़ी जो एक विशिष्ट तरीके से काम करती है या विशेष तरीके से काम करती है जो सामान्य पुलिस के बस से बाहर है। तो एक ऐसी एजेंसी की जरूरत थी जो इन भ्रष्टाचारियों को पकड़ सके और इसके लिए उन्होंने एक एक्ट पास किया था, स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1941। देखो एक एक्ट पास हुआ, विशेष पुलिस स्थापना, हिंदी में बोलते हैं विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1941। ये जो स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1941 है, इससे एक विशेष पुलिस की स्थापना की गई। ध्यान से समझना, पूरा सीक्वेंस समझ में आ जाएगा। क्या किया ब्रिटिश सरकार ने, भ्रष्टाचारियों को पकड़ने के लिए, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए एक अधिनियम पास किया और एक विशेष पुलिस की स्थापना की। किसकी स्थापना की, एक विशेष पुलिस की जो विशिष्ट मामलों में जांच कर सके। ये हो गया, फिर विश्व युद्ध खत्म हो गया, वो एजेंसी भी खत्म हो गई। इसके बाद ऐसा लगा कि ये जो एजेंसी है इसकी जरूरत आगे भी पड़ेगी, मतलब ये होना चाहिए। ये इसलिए होना चाहिए क्योंकि बहुत सारे मामले ऐसे होते हैं जो विशेष प्रकृति के होते हैं, जिसमें जटिलताएं होती है, जिसमें कोई स्पेशलिस्ट ही काम कर सकता है, पुलिस वो काम नहीं कर सकती। तो ऐसी एक एजेंसी की जरूरत उसके बाद भी पड़ी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भी। तो फिर सरकार ने एक एक्ट पास किया, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, डीएसपी 1946। इसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे, हिंदी में इसको बोला जाएगा दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946। कौन सा अधिनियम पास हुआ, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946। और इस अधिनियम से एक जांच एजेंसी की स्थापना की गई, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 से एक जांच एजेंसी की स्थापना की गई और उसका नाम क्या था, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना। उस एजेंसी का नाम क्या था, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना, और वो जो प्रमुख मामले हैं अपराध से जुड़े हुए उनकी वो जांच करती थी। ये केंद्र सरकार की एक प्रमुख जांच एजेंसी के रूप में काम कर रही थी, कौन, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना, और अधिनियम कौन सा है, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946। इसको शॉर्ट में कहते हैं डीएसपी एक्ट, क्या बोलते हैं, डीएसपीई एक्ट। और ये पुलिस, ये विशेष पुलिस की तरह थी और ये काम कर रही थी। अब ये काम कब तक करा इसने, 1963 में, 1 अप्रैल 1963 में केंद्र सरकार ने एक प्रस्ताव के द्वारा क्या किया, इसका नाम बदल दिया। ध्यान से समझना, क्या नाम था इसका, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना। दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना का नाम बदल दिया गया कब, 1 अप्रैल 1963 में इसका नाम बदल के और क्या कर दिया, सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन।
तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की स्थापना कई सारे लोग वैसे तो 1963 से मानते हैं कि 1963 में इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन सच्चाई यह है, वास्तविकता तो यह है कि 1963 में इसका नाम बदला था। नाम क्या था इसका? दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना। और इसका नाम बदल के हमने क्या कर दिया? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो। तो अब ये कानून में जो है सरकार ने एक प्रस्ताव पारित करके सीबीआई का गठन कर दिया, उसका नाम बदल दिया। पर ये शक्तियां कहां से लेती है? आज भी जो सीबीआई काम करती है तो किस अधिनियम से या किस शक्ति के तहत काम करती है? तो मैं बता दूं, आज भी सीबीआई जो है वो इसी अधिनियम से काम कर रही। कौन से अधिनियम से? दिल्ली स्पेशल पावर एक्ट। ये जो मैंने आपको लिखवाया है ना 1946 का एक्ट, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946, आज भी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इसी अधिनियम से अपनी शक्तियां ग्रहण करता है। आज भी ये इसी जो है अधिनियम के तहत काम करता है। तो ये पूरा आपको समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले सीबीआई का चेयरमैन नहीं होता, सीबीआई का डायरेक्टर होता है, ठीक है, संघ प्रिया गौतम। तो सीबीआई का जो हेड होता है ना उसको डायरेक्टर बोलते हैं। सीबीआई का एक डायरेक्टर होता है, पूरी हायरार्की होती है, उसमें एडिशनल डायरेक्टर होते हैं, सीबीआई का एक आईजी भी होता है, सो उसमें इंस्पेक्टर से कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, पूरी पुलिस जैसा होता है। सीबीआई भी अपने आप में क्या है, एक पुलिस तो है, तो इसमें पुलिस की तरह आपको डायरेक्टर लेवल जो सीनियर आईपीएस होता है, तो वो अभी ऋषि कुमार है हमारे, ठीक है। तो दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट पास किया 1946 में, और स्थापना किसकी की? दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना हुई, और इसी का नाम 1963 में बदल के क्या कर दिया? सीबीआई। चलिए इसका संगठन देखते हैं, क्या है सीबीआई में। इसकी कुछ शाखाएं प्रमुख रूप से, एक शाखा है भ्रष्टाचार निरोधक शाखा, जो भ्रष्टाचार से जुड़े हुए मामलों में क्या करती है, जो भ्रष्टाचार से जुड़े हुए मामलों में जांच करती है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा, ठीक है, जैसे आपने क्या देखा होगा कि भाई आय से ज्यादा संपत्ति को लेकर बहुत सारे हमारे नेताओं पर सीबीआई जांच कर रही है, अभी मायावती हो चाहे वो और दूसरे हमारे पुरजो नेता हो, तो ये भ्रष्टाचार निरोधक शाखा भ्रष्टाचार से जुड़े हुए मामलों पर जांच करती है। आर्थिक अपराध शाखा, जो आर्थिक अपराध होते हैं उनसे जुड़े हुए मामलों पर यह जांच करती है। विशेष अपराध शाखा, जो कोई विशेष अपराध हो जाए, जैसे वो बड़ी सेलिब्रिटी का जो है का मर्डर हो जाए, हत्या हो जाए, डकैती हो जाए, ऐसे कोई विशेष मामले जिनका राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो है प्रभाव हो या महत्व हो या बड़े पैमाने पर चर्चित हो, ऐसे मामलों को विशेष अपराध शाखा के द्वारा देखा जाता है। फिर एक नीतिगत और अंतर्राष्ट्रीय पुलिस शाखा भी है इसकी, और एक प्रशासनिक शाखा भी है। तो ये कैसे हुआ, ये एकदम से पांचों के पांचों शाखाएं नहीं बनाई गई। सबसे पहले इसकी दो शाखाएं, ये आपको जो एसपी लिखा हुआ दिख रहा है ना, इसका मतलब क्या है, स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना जो 1946 से बनी थी, तो इसकी दो शाखा थी। दो शाखा कौन सी? एक तो सामान्य अपराध शाखा और एक आर्थिक अपराध शाखा। देखो स्टार्टिंग में जो आप सीबीआई जिसको कहते हो, इसकी सिर्फ दो शाखाएं होती थी, और ये क्या करती थी, एक तो सामान्य अपराध शाखा थी जो केंद्र सरकार और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के उन कर्मचारियों की जांच करती थी जिनके बारे में यह संदेह होता था कि वे रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। तो भाई केंद्र सरकार के ऐसे कर्मचारी या अधिकारी कि जिनके बारे में क्या होता था, संदेह होता था, या जिनके खिलाफ कंप्लेंट थी कि वो भ्रष्टाचार या ऐसी किसी गतिविधि में क्या है, लिप्त हैं, तो उनके लिए जांच कौन करता था? सामान्य अपराध शाखा। फिर एक है आर्थिक अपराध शाखा, ये होती थी आर्थिक अपराध शाखा, ये जो थी ना, ये आर्थिक और राजकोषीय नियमों के उल्लंघनों के विभिन्न मामलों की जांच करती थी। तो जितने भी आर्थिक मामले या राजकोषीय उल्लंघन के मामले हैं उनके जो है ये जांच करने वाली शाखा कौन सी थी? आर्थिक अपराध शाखा। तो शुरुआत में हमने देखा कि स्पेशल जो ये आपकी पुलिस एस्टेब्लिशमेंट है, विशेष पुलिस स्थापना जिसे आज हम सीबीआई कहते हैं, इसके दो शाखाएं थी, दो ब्रांच थी, एक सामान्य अपराध शाखा और दूसरी आर्थिक अपराध शाखा। इज दैट क्लियर? चलिए इसके बाद 1987 में, कब? 1987 में, वर्ष 1987 में यह निर्णय लिया गया कि सीबीआई के तहत दो और जांच विभागों की स्थापना की जाए। कौन कौन सा? एक भ्रष्टाचार निरोधक प्रभाग, एक तो भ्रष्टाचार निरोधक शाखा, और दूसरी विशेष अपराध शाखा,
कि जो विशेष अपराधों के मामले में क्या करे, जांच कर सके, और एक जो है वो भ्रष्टाचार के बड़े मामलों में जांच कर सके। तो आरंभ में सीबीआई की कितनी ब्रांच थी? दो। फिर कौन कौन सी? सामान्य अपराध शाखा और आर्थिक अपराध शाखा। फिर हमने 1987 में दो और ब्रांच इसकी ऐड कर दी। कौन सी? एक तो भ्रष्टाचार निरोधक शाखा और एक विशेष अपराध शाखा। इसके बाद सीबीआई भ्रष्टाचार आर्थिक अपराधों के अलावा परंपरागत अपराध जैसे हत्या, अपहरण, आतंकवादी अपराध, ऐसे बहुत सारे अपराधों की क्या करने लगी है? चुनिंदा मामलों की जांच करने लगी। इसके अलावा राजीव गांधी हत्याकांड, बाबरी विध्वंस जैसे राष्ट्रीय महत्व के और बहुचर्चित मामलों की जांच के लिए समय समय पर सीबीआई की स्पेशल सेल का भी गठन किया जाता रहा है। मतलब सीबीआई का जो कार्यक्षेत्र है वो समय के साथ क्या हो रहा है, लगातार बढ़ता जा रहा है। स्टार्टिंग में सिर्फ सामान्य अपराध शाखा थी, आर्थिक अपराध शाखा थी, फिर भ्रष्टाचार निरोधक शाखा जुड़ गई, फिर विशेष अपराध शाखा भी जुड़ गई, और आज सीबीआई भारत में लगभग सभी बड़े अपराधों की जांच कर सकती है क्योंकि इतनी सारी इसकी शाखाएं हैं। हालांकि ये कैसे करती है, किस प्रकार की शक्तियां इसके पास है, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो अभी हम क्या देख रहे हैं, अभी हम इसका संगठन देख रहे हैं। हालांकि बाद में समय समय पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उच्च न्यायालयों के द्वारा बहुत सारे मामलों की जांच सीबीआई को सौंपी गई और इसका जो दायरा है, इसका जो कार्यक्षेत्र है वो धीरे धीरे बढ़ता गया। तो क्वेश्चन यहां से क्या क्या बनते हैं, क्वेश्चन ये बनते हैं कि सीबीआई का हिस्ट्री क्या हो गया। सीबीआई का हिस्ट्री मैंने आपको बताया 1946 में, कब? 1946 में एक अधिनियम पारित हुआ। कौन सा अधिनियम? दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम। और दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 के तहत हमने एक एजेंसी का गठन किया, एक विशेष पुलिस का गठन किया जिसका नाम क्या रखा, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना। और इसको काम क्या सौंपा, ये इसको काम सौंपा कि जो विशिष्ट मामले हैं, बड़े बड़े अपराध के मामले हैं, उसमें ये जांच करेगी। धीरे धीरे हमने क्या करा, इसका कार्यक्षेत्र बढ़ाया। 1963 में, कब? 1 अप्रैल 1963 को हमने सीबीआई का क्या कर दिया, जो दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना था इसका नाम बदल दिया और इसका नाम क्या रख दिया, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ये हिस्ट्री हो गई। फिर मैंने आपको बताया कि इसके संगठन में इतनी सारी शाखाएं, शुरुआत में दो शाखा थी, बढ़ते बढ़ते फिर ये और बढ़ गई। फिर इसके बाद प्रतिभूति घोटाला, आपको पता है कि हमारे यहाँ जो एक स्टाम्प घोटाला हुआ था, प्रतिभूति घोटाला, ऐसे मामले जो है और जिनमें आर्थिक अपराध में वृद्धि होने के कारण एक जो है और इसका कार्य धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। फिर हमने अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किया 1991 में, हमने पता है आपको लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन किया, तो अर्थव्यवस्था का उदारीकरण करने की वजह से नए नए आर्थिक अपराधों के सामने आने की वजह से 1994 में हमने अलग से एक अपराध शाखा और स्थापित की, ठीक है, जो विशेष मामलों की जांच के लिए बनाई गई थी। तो अलग से एक अपराध शाखा और स्थापित हो गई जिसको क्या काम सौंपा, आयात निर्यात, विदेशी मुद्रा, पासपोर्ट आदि जैसे मामलों के लिए क्या करे, केंद्रीय कानूनों के उल्लंघन के मामलों की जांच करने की शक्ति दी गई। तो आयात निर्यात को लेकर कोई गड़बड़ हुई हो, विदेशी मुद्रा का कोई मामला हो, पासपोर्ट को लेकर कोई मामला हो, तो ऐसे सभी मामले जिसमें कानून कौन बनाता है, केंद्र सरकार, तो केंद्र सरकार के द्वारा बनाए गए कानूनों के उल्लंघन के मामलों की जांच करने की शक्ति इसको दी गई। कौन सी शाखा? अपराध शाखा, ठीक है, ये विशेष अपराध शाखा बनाई थी 1994 में और ये शक्तियां उसको दी। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, जितने सरकारी क्षेत्र के उपक्रम है हमारे, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस जिसको आप कहते हो, उनमें बेईमानी, धोखाधड़ी, गबन, ठीक है, स्कैम जिसको कहते हैं गबन, और गंभीर मामलों की भी ये जांच कर सकती है जो कई राज्यों में संगठित गिरोह द्वारा किए जाते हैं। इसके अलावा यह सार्वजनिक सेवाओं, सार्वजनिक क्षेत्र की परियोजनाओं और उपक्रमों में व्याप्त भ्रष्टाचार के बारे में भी जानकारी एकत्रित करती। तो ये सारा क्या हो गया, ये इसका दायरा हो गया जो धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता लगभग हर क्षेत्र में हमारे यहां पर चला गया और दिखाई देता है, ठीक है। तो ये पूरा के पूरा आपको समझ में आ गया होगा। इसके साथ देखो शक्तियां क्या है, इसकी शक्तियां देखो, तो इसकी शक्तियां कहां से आती है, इसकी शक्तियां आती है 1946, ठीक है, डीएसपी 1946, ये जो लिखा हुआ है संवैधानिक, इसको आप इसको काट देना क्योंकि संविधान में सीबीआई का कोई उल्लेख नहीं है, ठीक है। तो संवैधानिक प्रावधान नहीं है, जो प्रावधान सीबीआई के अधिनियम में, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, ये उससे चलता है, संविधान में इसका कोई जिक्र नहीं है। इस प्रकार से आप लोग गलत फहमी में ना रहे कि ये कोई संवैधानिक संस्था है, तो संविधान में इसके बारे में कोई जिक्र नहीं है, कोई प्रावधान नहीं है, ठीक है।
तो इसके साथ आपने देखा कि ये प्रतिबुद्ध जो दूसरे मामलों की भी जांच करने लगी, ठीक है। शक्तियां क्या है इसकी, धारा 2 इसकी जो अधिनियम है, कौन सा अधिनियम है, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 की जो धारा 2 है उसके तहत सीबीआई केवल दिल्ली और बाकी के केंद्र शासित प्रदेशों में ही अपराधों की जांच कर सकती है। आप मेरी बात ध्यान से सुनिए, सीबीआई का जो पावर है कहां तक है, वो सीबीआई सिर्फ दिल्ली और जो दूसरे केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें ही जांच करने का अधिकार रखती है अपने बूते पे। मतलब सीबीआई के पास ये पावर नहीं है कि वो खुद से किसी राज्य में जाके जांच कर सके या खुद से किसी जाके राज्य का मामला अपने हाथ में ले सकती है। ये बात आप क्लियर रख लो कि सीबीआई को जो शक्तियां हैं किन मामलों की, जो सिर्फ दिल्ली या भारत के अन्य यूनियन टेरिटरीज केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़े हुए हैं बस, क्योंकि राज्य जो है, पुलिस जो है, वो राज्य का विषय है, राज्य की अपनी पुलिस होती है जो पुलिस के लिए मामले की जांच करती है। तो सीबीआई को कोई अधिकार नहीं है कि वो किसी राज्य में जाके जांच करे या किसी राज्य का मामला अपने हाथ में ले या किसी राज्य के कर्मचारी के खिलाफ जांच करे, ऐसा कोई अधिकार सीबीआई को नहीं है। लेकिन अगर कोई राज्य अनुरोध करे तो सीबीआई उसके लिए मामले की जांच कर सकती है। अगर केंद्र सरकार राज्य से सहमति ले तो राज्य की सहमति से सीबीआई उस राज्य में जांच कर सकती है। अगर अदालत, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट सीबीआई को किसी मामले की जांच का आदेश दे तो वो राज्य में जाके जांच कर सकती है, नहीं तो सीबीआई को किसी भी राज्य में जाकर जांच करने का अधिकार नहीं है। एकदम क्लियर कर लेना अभी इसको, और आप डिटेल में समझाऊंगा मैं अभी। तो इसको जो शक्ति है ना वो डीएसपी अधिनियम 1946 की धारा 2 से प्राप्त है, जो क्या बोलता है कि सीबीआई दिल्ली और बाकी के केंद्र शासित प्रदेशों में अपराध की जांच कर सकती है। हालांकि केंद्र द्वारा रेलवे और दूसरे राज्यों के जो है क्षेत्रों में उनके अनुरोध पर, किस पे अनुरोध पर, मतलब राज्य खुद रिक्वेस्ट करें सीबीआई की जांच के लिए, इसके अधिकार क्षेत्र को बढ़ाया जा सकता है। मतलब अगर कोई राज्य खुद से ये क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, कोई राज्य खुद से मतलब क्या कर रहा है, अपील कर रहा है, तो ही सीबीआई उस राज्य में जाके जांच कर सकती है। नहीं तो सीबीआई को कोई पावर नहीं किसी भी राज्य में जांच करने का। अभी ममता बनर्जी वाला मामला हुआ था थोड़े दिन पहले, शारदा चिटफंड वाला मामला, अभी उसको समझेंगे हम लोग डिटेल में कि क्या हुआ था और क्या उसमें समस्या थी। तो वैसे सीबीआई केवल केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित मामलों की जांच के लिए अधिकृत है। कोई भी व्यक्ति केंद्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, राष्ट्रीयकृत बैंकों में भ्रष्टाचार के मामले की शिकायत सीबीआई से कर सकता है। अगर कोई केंद्र सरकार का कर्मचारी है, अगर कोई बैंक के जो राष्ट्रीयकृत बैंक है, नेशनलाइज्ड बैंक है, उसमें कोई कर्मचारी काम करता है, ठीक है, या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम है उसका कोई कर्मचारी है, तो इनके मामले की जांच के लिए सीबीआई से शिकायत की जा सकती है। पर सिर्फ शिकायत की जा सकती है, आगे क्या होगा वो अभी हम देखेंगे, ठीक है। फिर इसके साथ देखो, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामलों में सीबीआई स्वयं कार्रवाई कर सकती है, पर यह भी राज्यों की परमिशन के बिना नहीं हो सकता, ठीक है। सीबीआई स्वयं कार्य कर सकती है जब कोई राज्य केंद्र से सीबीआई की मदद के लिए अनुरोध करता है तो यह आपराधिक मामलों की जांच करती है, या तब जब सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय इसे किसी अपराध या मामले की जांच करने का निर्देश देते हैं। तो देखो, सीबीआई खुद से तो किसी राज्य में जाकर, ठीक है, खुद से तो किसी राज्य में जाके जांच नहीं कर सकती, पर अगर कोई राज्य केंद्र से मांग करे कि हमारे इस मामले में सीबीआई की जांच हम चाहते हैं या सीबीआई से हम अपेक्षा करते हैं कि वो इस मामले को अपने हाथ में ले, जांच करे, तो सीबीआई उस राज्य में जाएगी। दूसरा, अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कहे सीबीआई से कि आप इस मामले की जांच करें तो वो उस मामले की जांच करेगी, वरना उसके पास ज्यादा पावर नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे देखो कार्य क्या है इसके। तो एक बार फिर से आपको थोड़ा शॉर्ट में कार्य बता दूं, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के भ्रष्टाचार, घूसखोरी, दुराचार आदि मामलों का अनुसंधान करना, ठीक है, उस पर जांच करना, राजकोषीय तथा आर्थिक कानूनों के उल्लंघन के मामलों का अनुसंधान करना, पेशेवर अपराधियों के संगठित गिरोह द्वारा किए गए ऐसे अपराधों का अनुसंधान जिनका राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव हुआ हो, राज्य सरकार के अनुरोध पर किसी सार्वजनिक महत्व के मामले पर जांच करना, भ्रष्टाचार निरोधक एजेंसियों और विभिन्न राज्य की पुलिस बलों के बीच
समन्वय स्थापित करना, अपराध से संबंधित आंकड़ों का अनुरक्षण करना और आपराधिक सूचनाओं का प्रसार करना। तो ये शॉर्ट में उसके सारे के सारे काम हो गए जो मैंने अभी आपको बताए थे। ठीक है, अब आते हैं वेस्ट बंगाल में क्या हुआ था, पश्चिम बंगाल विवाद क्या था, इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे हम लोग। इसको ध्यान से कैसे समझेंगे, क्योंकि यहां पर विवाद बड़ा गहरा है। केंद्र और राज्य के बीच बहुत सारे मामलों को लेकर वैसे विवाद रहते हैं, आए दिन रहते हैं, चाहे वो शक्तियों के वितरण को लेकर हो, वित्तीय जो हमारे यहाँ विभाजन है केंद्र राज्य के बीच संसाधनों का, उसको लेकर विवाद हो, तो केंद्र और राज्यों के बीच तमाम तरह के विवाद हैं। परंतु सीबीआई को लेकर भी कई बार केंद्र और राज्य के बीच में ठन जाती है, कई बार केंद्र और राज्य आपस में भिड़ जाते हैं, क्योंकि राज्यों का ये आरोप है कि सीबीआई का दुरुपयोग किया जाता है केंद्र के द्वारा। केंद्र जो है सीबीआई का अपने मनमाने तरीके से प्रयोग करता है, कई बार वो ब्लैकमेलिंग के लिए करता है, कई बार अपनी दुश्मनी निकालने के लिए करता है। तो इस प्रकार से केंद्र और राज्य के बीच में सीबीआई को लेकर विवाद न तो कोई नया है और न ही कोई ऐसा है कि ये कोई पहली बार हुआ, तो ये आए दिन होता रहता है। पर ऐसा क्यों होता है इसके बारे में हम बात करते हैं। तो अभी इस साल क्या हुआ, फरवरी 2019 की बात है। कब की बात है ये बात है फरवरी 2019 की। मामला क्या है, मामला ये है कि हमारे यहाँ एक घोटाला हुआ था शारदा चिटफंड। ठीक है, तो शारदा चिटफंड घोटाला हुआ था पश्चिम बंगाल में। क्या नाम है इसका, शारदा चिटफंड घोटाला। तो इसमें बहुत सारे लोग आरोपी हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में सीबीआई को इस मामले की जांच सौंपी थी। ठीक है, मैंने अभी आपको बोला सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट को पावर है कि वो किसी मामले की जांच को जो है वो सीबीआई को सौंप सकते हैं। तो 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को ये मामला सौंपा था शारदा चिटफंड घोटाले का। इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना नहीं कर सकती। अगर सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है तो सीबीआई को किसी मामले की जांच करनी ही है। तो ये मामला सौंपा गया सीबीआई को 2014 में। इस साल फरवरी 2019 को, क्या ये अभी की बात है, फरवरी 2019 को सीबीआई जो है सीबीआई गई कलकत्ता। क्यों गई कलकत्ता, कलकत्ता के जो पुलिस कमिश्नर थे, कलकत्ता के पुलिस कमिश्नर का नाम है राजीव कुमार। कौन थे, राजीव कुमार। तो राजीव कुमार का जो है नाम जुड़ा हुआ है चिटफंड घोटाले से कहीं ना कहीं। तो सीबीआई को ऐसा लग रहा था कि राजीव कुमार साहब ये कहीं ना कहीं सबूतों को दबा सकते हैं, सबूतों को खत्म करने की कोशिश कर सकते हैं या कुछ भी ये कर सकते हैं। तो इनसे पूछताछ करने के लिए सीबीआई गई थी कहां पर, कलकत्ता। तो जैसे ही सीबीआई कलकत्ता में पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार के निवास पर गई, घर पे गई, तो उनको जो है पकड़ लिया गया, हिरासत में ले लिया कलकत्ता पुलिस ने। और कलकत्ता पुलिस उनको कहां ले गई, थाने पर ले गई। काफी समय तक उनको वहां पर रखा गया और फिर उनको छोड़ दिया गया। तो इस पूरे मामले में एक बहुत बड़ी बहस निकली कि क्या, पहली बात तो ये पूरा इंसिडेंट आपको बता दूं क्या हुआ। फिर वहां से वो वापस आ गए, उनको वहां से छोड़ दिया गया। फिर पश्चिम बंगाल के जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, वो धरने पर बैठ गई केंद्र सरकार के खिलाफ। और राजीव कुमार जो पुलिस कमिश्नर है वो भी ममता बनर्जी के साथ धरने पर बैठ गए। ठीक है, तो ये पूरा के पूरा जो है मामला, फिर ये ऐसे जुड़ गया, ये राजनीतिक रूप ले लिया इसने, ये पॉलिटिकल ड्रामा हो गया। और फिर यह क्या दिखाने की कोशिश की गई कि केंद्र सरकार जबरन जो है हमें परेशान कर रही है और हमारे यहां आकर जो है वो इस प्रकार की हरकतें कर रही है या सीबीआई से करवा रही है। लेकिन इस मामले में पूरी बात समझने के लिए आपको थोड़ा अंदर जाना पड़ेगा। अंदर जाना पड़ेगा मतलब है कि थोड़ा आपको पूरा गहन समझना पड़ेगा कि पावर जो होती है सीबीआई की वो क्या क्या होती। तो सीबीआई को ये पावर तो नहीं है कि वो किसी राज्य में जाए और जांच करे। पहली बात तो आपको ये समझना होगा कि अगर किसी राज्य में जाकर सीबीआई को जांच करनी होती है तो उसके लिए सहमति का प्रावधान है, कंसेंट चाहिए। ठीक है, मेरी बात समझो आप लोग कि सीबीआई किसी राज्य में कि जाकर जांच सिर्फ तभी कर सकती है जब उस राज्य की क्या मिल जाए, सहमति मिल जाए। और ये सहमति दो प्रकार की होती है। कैसी होती है सहमति, दो प्रकार की होती है। एक होती है सामान्य सहमति, एक होती है सामान्य सहमति और दूसरी होती है विशेष सहमति। सामान्य सहमति और विशेष, अब यहां से समझो, किसी भी राज्य में सीबीआई तभी जाके जांच कर सकती है जब उस राज्य सरकार की सहमति उसे प्राप्त हो जाए। और सहमति कितने प्रकार की होगी, दो प्रकार की होगी। ठीक है, दो प्रकार की कौन सी, एक तो सामान्य और दूसरी विशेष होगी। तो सामान्य सहमति कौन से मामले में दी जाती है, ऐसे मामले में जिन पर केस किसके खिलाफ चल रहा है या जिन किसके खिलाफ जांच चल रही है, केंद्र सरकार के कर्मचारी। ध्यान से सुनना, किसके खिलाफ,
केंद्र सरकार के कर्मचारी के खिलाफ। तो अगर कोई कर्मचारी जो केंद्र सरकार का है किसी राज्य में काम कर रहा है उसके खिलाफ अगर मामले की जांच करनी होगी तो राज्य सरकार की सहमति लेनी पड़ती है उसके लिए, भले वो केंद्र सरकार का कर्मचारी है। कहां काम कर रहा है? किसी राज्य में। इसको कैसे समझे? अगर रेलवे का कोई कर्मचारी है, मान लो कि उत्तर प्रदेश में रेलवे के किसी कर्मचारी के खिलाफ सीबीआई जांच करना चाहती है, तो बिना उत्तर प्रदेश सरकार की परमिशन के वो ऐसा नहीं कर सकती। भले रेलवे भारत सरकार का है, वो केंद्र सरकार का कर्मचारी है, लेकिन चूंकि वो किसी राज्य में काम कर रहा है तो सीबीआई को ये अधिकार नहीं है कि बिना राज्य सरकार की सहमति के वो उस राज्य में जाकर जांच करे। तो ऐसे मामलों में सामान्य सहमति चाहिए राज्यों की, ठीक है। और ऐसे मामले जिनमें किसी राज्य सरकार के कर्मचारी के खिलाफ मामले की जांच करनी हो, मतलब किसका कर्मचारी? राज्य सरकार का, और उसके खिलाफ कोई मामले की जांच करनी होगी तो राज्य सरकार की विशिष्ट सहमति चाहिए, विशेष सहमति चाहिए, नहीं तो नहीं कर सकते। अब यहां मामला किसके खिलाफ था? आईपीएस राजीव कुमार के खिलाफ। किसके खिलाफ है? आईपीएस राजीव कुमार, जो कलकत्ता पुलिस कमिश्नर थे। तो वो किसके कर्मचारी है? वो तो अखिल भारतीय सेवा के कर्मचारी है, ठीक है। तो उनके खिलाफ भी जांच करने के लिए राज्य सरकार की सहमति चाहिए। तो प्रथम दृष्टया, पहली बार देखने में तो आपको ऐसा लगेगा कि सीबीआई बिना ममता बनर्जी, जो उनकी शिकायत थी कि बिना राज्य सरकार की सहमति के सीबीआई हमारे यहां कैसे आ गई और सीबीआई ने कैसे इनसे पूछताछ करने की सोच ली जब तक हमने परमिशन नहीं दी। पर ममता बनर्जी ये भूल गई कि सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट का अगर आदेश हो, मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट अगर कहे तो बिना राज्य सरकार की सहमति के भी सीबीआई जांच कर सकती है राज्य में जाकर। मतलब अगर जांच किसके खिलाफ होगी? अगर जांच राज्य सरकार के कर्मचारी या किसी के भी खिलाफ होगी और सुप्रीम कोर्ट ने या हाईकोर्ट ने आदेश दिया है तो फिर सीबीआई को राज्य सरकार की सहमति की जरूरत नहीं पड़ती। और इसीलिए सीबीआई गई थी कहां पर? कलकत्ता में। और वो क्यों गई थी? वो राजीव कुमार जो पुलिस कमिश्नर है कलकत्ता के, उनसे पूछताछ करने गई थी। परंतु सीबीआई को ही क्या कर लिया? हिरासत में ले लिया गया, बाद में हालांकि छोड़ दिया गया और पूरा मामला राजनीतिक हो गया। तो ये जो मामला है इसमें आपको ये क्लियर हो जाएगा पूरा के पूरा कि भारत में जो केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये अपने बूते ये अधिकार नहीं रखता। जैसा कि मैं आपको बताऊं कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के जो गाइडलाइन है, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के क्या आदेश है? सर्वोच्च न्यायालय के आदेश ये है कि बिना राज्य सरकार की सहमति के सीबीआई किसी भी राज्य में जाकर जांच करने का अधिकार नहीं रखती। वो सिर्फ दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेशों तक ही जांच का अधिकार रखती है। लेकिन अगर हम कहें, अगर न्यायालय कहे, अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कहे, तो सीबीआई किसी भी मामले पर जांच कर सकती है और बिना राज्य सरकार की सहमति के भी वो जांच कर सकती है। और यहां पर शारदा चिट फंड वाले मामले की जांच सीबीआई को किसने सौंपी है? सुप्रीम कोर्ट ने सौंपी है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार सीबीआई काम कर रही है। और अगर वो कलकत्ता जाके राजीव कुमार से पूछताछ कर रही थी तो वो कोई असंवैधानिक काम नहीं कर रही है, कोई गलत काम नहीं कर रही है, क्योंकि इसका उसको पावर है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है तो वह ऐसा कर सकती है। मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी? राकेश कुमार पाल, मैंने आपको आंसर दिया अभी कि अगर न्यायालय के द्वारा जांच चल रही होगी, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के आदेश से किसी मामले पे जांच चल रही है, तो फिर सीबीआई बिना राज्य सरकार की सहमति के भी मामले की जांच उस राज्य में कर सकती है। अगर केंद्र सरकार चाहे तो ऐसा नहीं हो सकता। बिना राज्य की सहमति से न तो सीबीआई को यह पावर है न केंद्र सरकार को यह पावर है कि वो किसी राज्य में जाकर जांच करे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अगर आदेश हैं और वो जांच उसके अंडर में चल रही है तो फिर राज्य सरकार की सहमति की जरूरत नहीं है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया होगा मेरा आंसर। तो ये सर्वोच्च न्यायालय के क्या आदेश हैं? सर्वोच्च न्यायालय के आदेश हैं कि सीबीआई जो है वो अपने बूते से तो कहीं नहीं जा सकती, लेकिन अगर जो है हम कहें तो फिर उसको ये पावर है, या कोई राज्य अनुरोध करे तो सीबीआई उसके यहाँ जाके जांच कर सकती है। तो ये मामला पूरा के पूरा किससे जुड़ा हुआ है? ये मामला आप पूरा देख सकते हो अभी। हालांकि मैं आपको जो सहमति बता रहा था, मैंने आपसे बोला था सहमति दो प्रकार की होती है। देखो इसको भी डिटेल में समझा देता हूं। सहमति जो राज्य देता है वो दो प्रकार की होती है।
एक होती सामान्य सहमति, मैंने अभी आपको बोला, और दूसरी कौन सी होती, विशेष सहमति। तो आम तौर पर जो हमारे राज्य है ना, राज्य जो है वो आम तौर पर सामान्य सहमति दे देते। मतलब सामान्य सहमति का मतलब है कि अगर केंद्र सरकार के किसी कर्मचारी के खिलाफ आप राज्य में जाके जांच कर रहे हो तो इसके लिए राज्य सहमति दे देते हैं और बार बार नहीं देनी पड़ती। मतलब एक बार अगर उन्होंने अपनी सामान्य सहमति सीबीआई को दे दी तो किसी भी मामले में, केंद्र सरकार के कर्मचारी के किसी भी मामले में आप क्या कर सकते हो, आप वहां जाके जांच कर सकते हो, अगर राज्य की सामान्य सहमति है तो। और अगर विशेष सहमति जो है इसको क्या करना पड़ता है, बार बार लेना पड़ता है, बार बार सरकार देगी तो ही आप कर सकते हो। अभी आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल ने पिछले साल 2018 में आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल की सरकार ने क्या किया था, उन्होंने अपनी सामान्य सहमति ले ली थी सीबीआई से। कई लोगों को यह भी समझ में नहीं आया था कि इसका क्या मतलब है कि अगर सरकार, राज्य सरकार अपनी सामान्य सहमति ले ले, अगर अपनी सामान्य सहमति ले ले तो उसका क्या मतलब है। इसका मतलब यह है कि अगर सीबीआई, एक बार मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर राज्य सरकार सीबीआई को दी हुई अपनी सामान्य सहमति ले ले तो उसका क्या होगा, उसका यह होगा कि अगर फिर केंद्र सरकार के कर्मचारी के खिलाफ भी कोई जांच करेगी सीबीआई राज्य में तो बार बार हर केस में उसको राज्य सरकार से पूछना पड़ेगा और बिना राज्य सरकार के अनुमति के वो केंद्र सरकार के खिलाफ भी जांच नहीं कर सकती, केंद्र सरकार के कर्मचारी के खिलाफ भी जांच नहीं कर सकती। कब, सामान्य सहमति नहीं होने की स्थिति में, और अगर है तो पूछने की जरूरत नहीं है, केंद्र सरकार के कर्मचारी के खिलाफ आप जांच कर सकते। फिर एक क्वेश्चन और उठता है कि ऐसे तो राज्य परमिशन नहीं देगा तो फिर क्या उसके खिलाफ जांच नहीं होगी, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा। तो इसको भी क्लियर कर लो, इसको भी कैसे क्लियर कर लो आप, ठीक है, इसको ऐसे क्लियर कर लो कि अगर केंद्र सरकार जो है, ठीक है, अगर मान लो कि किसी मामले में राज्य सरकार सहमति नहीं दे रही, अगर राज्य सरकार किसी मामले में सहमति नहीं दे रही है और वो नहीं चाहती कि सीबीआई जांच करे, पर मामला महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, उसमें जांच सीबीआई की अपेक्षित है, करना ही चाहिए, तो सीबीआई कहां जा सकती है, सीबीआई अदालत जा सकती है, सीबीआई कोर्ट से ऑर्डर लेके आ सकती है। ध्यान से सुनना, अगर राज्य सहमति नहीं दे रहा, राज्य अनुमति ही नहीं दे रहा सीबीआई को अपने यहां जांच करने की, तो ऑप्शन क्या है, कोर्ट चली जाएगी सीबीआई और वहां से वो क्या करेगी, ऑर्डर लेके आएगी और उस राज्य में जांच कर सकती। तो इस पूरी की पूरी बहस का आपको मतलब समझ में आया कि सीबीआई को पावर कहां तक है, सिर्फ दिल्ली और दूसरे केंद्र शासित प्रदेशों तक अपने बूते पर, लेकिन अगर उसको बाहर किसी राज्य में जांच करनी हो तो वो तभी कर सकती है जब राज्य सरकार की सहमति हो। सहमति दो प्रकार की होगी, कंसेंट दो प्रकार की है, एक तो सामान्य और एक विशेष। अगर केंद्र सरकार के किसी कर्मचारी के खिलाफ मामला है तो सामान्य सहमति चाहिए, और राज्य के किसी कर्मचारी के खिलाफ मामला है तो विशेष सहमति उसको चाहिए। और अगर वो राज्य खुद से, अगर किसी मामले को आपने देखा होगा कई बार कि किसी भी राज्य में बहुत सारी जो घटनाएं हमारे यहां होती है तो वो ऐसे बोलते हैं कि हम इसकी जांच सीबीआई से कराएंगे, हम इसकी सीबीआई से जांच कराने की मांग करते हैं, तो केंद्र सरकार के जो है अनुमति के बाद सीबीआई उस राज्य के लिए जांच कर सकती है। आपको समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। ये पूरा के पूरा मामला जो है किससे जुड़ा हुआ है, ये इसके जो क्योंकि अधिकार जो है ना, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला मामला है, क्योंकि हमारे यहाँ सीबीआई अभी भी किससे काम कर रही है, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946, आज भी ये उसी अधिनियम से काम कर रही है। इसका अपना कोई कानून ही नहीं है, इसके पास अपनी कोई शक्तियां नहीं है। अगर हम डीएसपी एक्ट को हटा दें 1946 वाले को, तो सीबीआई के पास कोई पावर नहीं बचेगी, आज भी ये उसी अधिनियम से काम कर रही है। तो ये क्या देखा हमने, पश्चिम बंगाल का विवाद, जो इसी साल आपको कहीं भी पूछा जा सकता है, इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, मेंस में, प्री में, कहीं भी आपको पूछा जा सकता है, ये विवाद जो था ये पूरा आपको क्लियर हो गया होगा। और इससे पश्चिम बंगाल और भारत सरकार का विवाद नहीं है, एक्चुअली सीबीआई को लेकर लगभग सभी राज्यों को ये शिकायतें हैं कि केंद्र सरकार जो है उनके जो है मामले में दखल अंदाजी कर रही है, क्योंकि पुलिस राज्य का विषय है और केंद्र सरकार की पुलिस क्यों जांच करेगी, हमारे यहाँ हमारे पास अपनी पुलिस है वो करेगी जांच, तो केंद्र सरकार की पुलिस से हम जांच नहीं करवाएंगे, तो कई बार ये आरोप लगाया जाता है, ठीक है। अब आते हैं आलोचना और सुझाव। तो सीबीआई को लेकर बहुत सारी आलोचनाएं हैं। आलोचनाएं क्या है कि एक तो ये जो केंद्र सरकार है
ये इसका दुरुपयोग करती है, ये राज्य को ब्लैकमेलिंग के लिए या दूसरे, जैसे कि कोई भी केंद्र सरकार की बात नहीं कर रही, बात नहीं मान रहा तो सीबीआई की जांच शुरू करवा दो उसके ऊपर, सीबीआई की इंक्वायरी बिठा दो उसके ऊपर। तो कई सारे लोगों का ये मानना है कि सीबीआई जो है वो क्यों पिंजरे का पिंजरे में बंद तोता क्यों कहा गया इसको, क्योंकि ये सिर्फ केंद्र सरकार के कहने पर बोलता है और जब नहीं मन करता केंद्र सरकार को तो नहीं बोलता। तो सीधी सी बात यह है कि जो तोता होता है ना हमारे घर में वो क्या बोलता है, जो हम बोलते हैं। तो वैसा ही केंद्र सरकार ने सीबीआई को बना दिया है। हालांकि इतना सब होने के बाद भी सीबीआई ने अपनी जो एक छवि है वो बहुत अच्छी बनाई हुई है। आपको पता है कि भारत में कभी भी कोई ऐसा बड़ा मामला होता है तो उसकी जांच सीबीआई से करवाई जाती है। ये आज भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इसके ऊपर भरोसा है कि अगर सीबीआई जांच कर रही है तो कहीं ना कहीं सही निर्णय पे पहुंचेगी, कहीं ना कहीं सही जो है इस मामले में पूरा न्याय मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गई, ये तो कमियां हैं, कमियां बहुत सारी है, लेकिन हम इसकी बात करें सुझाव, कैसे सीबीआई में हम सुधार कर सकते हैं, कैसे क्या क्या सुझाव दिए जा सकते हैं, एक एक करके उस पर बात करते हैं। तो पहला सुझाव तो इसको ये दिया जाता है कि इसका अपना कानून दो। ठीक है, इसका अपना कोई कानून ही नहीं है, ये पुराना दिल्ली पुलिस स्थापना अधिनियम जो 1946 है। अब आप देखो भारत की सबसे बड़ी जांच एजेंसी, इतनी पावरफुल एजेंसी, इतना सारा इसको लेकर जो है चलता रहता है मामला, और इसके पास अपना कोई कानून ही नहीं है। ये 1946 के दिल्ली स्पेशल पुलिस स्थापना अधिनियम से काम चला रही है। तो कई सारे लोगों को लगता है कि पहले तो इसका एक कानून बनाओ, दूसरा ये कि इसको स्वायत्तता दो। क्या दो? स्वायत्तता। ये भी आपको पता है कि इसको स्वायत्तता नहीं है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि पूरा के पूरा काम किसके, केंद्र सरकार के निर्देशों पर करती है, मतलब ये केंद्र सरकार के हाथ की कठपुतली की तरह बन गई है, इसको लेकर आलोचना की जाती है। तो इसको क्या दे दो, इसको स्वायत्तता दो, ये एक मामला है। तो इसके कानून बनाया जाए, इसको स्वायत्तता दी जाए, फिर इसका विस्तार करो, इसके कार्य क्षेत्र का क्या करो, विस्तार करो। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि अगर मान लो केंद्र सरकार का कोई कर्मचारी है, केंद्रीय सेवा में काम में करने वाला कोई कर्मचारी है, अखिल भारतीय जो है सेवा का कोई कर्मचारी है, अधिकारी है जो किसी राज्य में काम करता है, तो सीबीआई उसके खिलाफ भी जांच नहीं कर सकती। भाई अब केंद्र सरकार के कर्मचारी के खिलाफ तो जांच की शक्ति होनी चाहिए ना, पर चूंकि वो किसी राज्य में काम कर रहा है तो इसलिए वो केंद्र सरकार के कर्मचारी के खिलाफ भी जांच नहीं कर सकती बिना राज्य की परमिशन के। तो फिर ये सुझाव क्या दिया जाता है, ठीक है, सुझाव क्या दिया जाता है, सुझाव ये दिया जाता है कि जो हमारा केंद्र सरकार की जो ये जो पूरी एजेंसी है, इसको आप इसके पावर को बढ़ाओ और ऑल इंडिया सर्विसेज के लोगों को इसके दायरे में लाओ। ऑल इंडिया सर्विसेज के लोग आपको पता है राज्यों में काम कर रहे होते हैं, तो बिना राज्यों की परमिशन से उनको छेड़छाड़ नहीं कर सकते, उनके खिलाफ जांच नहीं हो सकती। तो अधिकार बढ़ाने का मतलब है कि इनको अखिल भारतीय सेवा के कर्मचारियों के खिलाफ भी जो है बिना राज्यों की सहमति के क्या हो, इनको अधिकार हो जांच करने का, ये सुझाव दिया जाता है। फिर कार्यकाल, आपको पता है सीबीआई के डायरेक्टर का कार्यकाल 2 साल का होता है। आप में से कई लोग नहीं जानते हो तो मैं बता दूं कि सीबीआई का जो हेड होता है ना, सीबीआई के हेड को कहते हैं डायरेक्टर, और सीबीआई के जो डायरेक्टर होते हैं उनका 2 साल का कार्यकाल होता है। परंतु कहते हैं कि ये 2 साल का कार्यकाल भी जो है कई बार पूरा नहीं करने देती सरकार इनको, अगर इस सरकार के हिसाब से ना चले तो फिर इनको 2 साल भी पूरे नहीं करने देते, बार बार ट्रांसफर इनका करते हैं। तो ये बोला जाता है कि कम से कम 2 साल का कार्यकाल इनका फिक्स किया जाए, मतलब अगर सरकार चाहे तो भी वो सीबीआई के डायरेक्टर का जो है वो हटा ना सके अपने पद से, इस बात को लेकर भी सुझाव दिया जाता है। तो बहुत सारे ऐसे सुझाव हैं जो सीबीआई को लेकर, अभी आपको पता होगा या नहीं है तो मैंने आपको ये बता दिए हैं, ये सारे सुझावों को काफी समय से ये बोला जा रहा है कि इनको अपनाया जाना चाहिए। फिर राज्यों को भी समझना चाहिए कि ये एक केंद्रीय जांच एजेंसी नहीं है, ये भारत की सबसे बड़ी जांच एजेंसी है, तो उनको सहयोग करना चाहिए, कोऑपरेट करना चाहिए, और किसी भी प्रकार से अपने अपने स्वतंत्रता में, अपनी स्वायत्तता में इनको दखल नहीं समझना चाहिए। केंद्र सरकार को समझना चाहिए कि वो इसका दुरुपयोग नहीं करे, क्योंकि बहुत तरीके से इसके ऊपर एक कलंक लगा हुआ है कि ये चाहे ईमानदारी से भी काम करे, निष्पक्षता के साथ काम करे, हमेशा यही लगता है कि ये केंद्र सरकार के निर्देश पे ही काम कर रही है, ये उनके अनुसार काम कर रही है, ये निष्पक्षता के साथ काम नहीं कर रही है। तो जो दुरुपयोग इतने सालों से सीबीआई का होता आया, ये बात तो सच है कि होता आया है और आज भी हो रहा है, तो सीबीआई का दुरुपयोग रोकने के लिए सरकार को क्या करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। तो ये बहुत सारे सुझाव हमने देखा जो कि सीबीआई को लेकर है। तो आपको आज क्लियर हो गया होगा सीबीआई क्या है। मैंने आपको स्टार्टिंग से बताया था कि सीबीआई क्या है, तो सीबीआई हमारी एक विशिष्ट और विशेष जांच एजेंसी है,
प्रमुख जांच एजेंसी भारत सरकार की, जो दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेशों में जांच करने के अधिकार रखती है। हालांकि अगर इसको अनुमति दें केंद्र और राज्य, तो ये पूरे भारत में कहीं भी जांच कर सकती है। ठीक है, इसकी जो स्थापना कहाँ कब हुई, तो इसकी स्थापना मानी जाती है 1963 से। हालांकि ये स्थापना नहीं है, ये तो नाम परिवर्तन है। स्थापना कब से मानी जाती है, इस अधिनियम से, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 से। 1963 में क्या हुआ, इसका नाम बदल दिया, और इसका नाम बदल के क्या रख दिया, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सिर्फ नाम बदला, आज भी एक्ट कौन सा है, यही वाला अधिनियम लागू है। ठीक है, कितनी शाखाएं देखो, भ्रष्टाचार निरोधक शाखा, आर्थिक अपराध शाखा, विशेष अपराध शाखा, नीतिगत अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग शाखा, प्रशासनिक शाखा। पहले दो शाखाएं थी, सामान्य अपराध शाखा और आर्थिक अपराध शाखा। फिर हमने 1987 में और दो जोड़ दी, एक भ्रष्टाचार निरोधक शाखा, विशेष अपराध शाखा। फिर इसके साथ समय समय पर स्पेशल सेल का भी गठन होता है बड़े बड़े मामलों की जांच के लिए। फिर एक अपराध शाखा और जोड़ी थी हमने, विशेष अपराध शाखा। ठीक है, 1994 में उदारीकरण के कारण। फिर हमने देखा इसकी शक्तियां क्या है, तो इसकी शक्तियां जो अधिनियम है, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946, 1946 के अधिनियम से सीबीआई को क्या मिली हुई है, अपनी शक्तियां मिली हुई है धारा 2 के तहत। ये मैंने आपको बताया, इसके कार्य मैंने आपको बताया कि ये चाहे भ्रष्टाचार का मामला हो, कोई भी अपराध हो बड़े पैमाने का केंद्र सरकार से जुड़ा हुआ, उसकी ये जांच करती है। फिर पश्चिम बंगाल का विवाद हमने देखा कि किस प्रकार से वेस्ट बंगाल में सीबीआई के जाने के बाद वहां विवाद हुआ, कौन सही था कौन गलत था, इसको लेकर हमने बात की। ठीक है, न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के आदेश क्या है, ये मैंने आपको बताया। और अंत में हमने देखा कि इसको ठीक कैसे किया जा सकता है, या जो कमियां हैं उनको हम कैसे दुरुस्त कर सकते हैं। इनमें सबसे पहला तो यही है कि इसको स्वायत्तता दी जाए, इसको अपनी जो है छूट दी जाए। बहुत ये भी सरकार के जो है अंडर में काफी नियंत्रण है इसके ऊपर भारत सरकार का, जिसको कम किया जाना चाहिए, तभी इसके ऊपर भरोसा बढ़ेगा, तभी इसके ऊपर विश्वास पैदा होगा। तो ये था सुझाव, तो ये पूरा हमारा आज का सेशन है। ये मेरा रेफरल कोड है, यूज दिस रेफरल कोड इफ यू वॉन्ट टू ज्वाइन अनअकैडमी प्लस। अगर आप अनअकैडमी प्लस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये रेफरल कोड यूज कीजिए CK, और आपको पूरा के पूरा सब्सक्रिप्शन एक साल का कितने में मिलेगा, 31,500 रुपीज में पूरा एक साल का सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगा, रेफरल कोड है CK। चलिए, तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, चैनल को जो है सब्सक्राइब करिए अनअकैडमी स्टूडियो प्रभाव को। अभी 3 बजे हम लोग हिस्ट्री वाली क्लास में फिर मिलेंगे मराठा साम्राज्य के साथ। आज मैं आपको छत्रपति जो शिवाजी थे उनके बारे में बताऊंगा, और मराठा साम्राज्य की स्थापना उसके बारे में हम बात करेंगे। 3 बजे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।